अगर आप भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक पहला टेस्ट मैच देखने के लिए बेकरार हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बस थोड़ी देर में बजने वाला है इंडिया न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच का बिगुल। हो चुका है सबसे खतरनाक टीम इंडिया का ऐलान, तो आखिर कब और कहां ये पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, किस नए समय पर यह टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीम की बिल्कुल नई प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल, यानी कि इस मुकाबले से जुड़ी एक एक लाइव अपडेट, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस पहले टेस्ट मैच में रोहित, विराट और विलियमसन में से कौन शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्लादेश के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ कदम बढ़ा चुकी टीम इंडिया के सामने अगली चुनौती खतरनाक न्यूजीलैंड की होने वाली है। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 16 अक्टूबर से होने जा रहा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। तीन मैचों की इस टेस्ट सीरीज में क्रिकेट के फैंस को रोमांच का ओवरडोज मिलना तय है। जी हाँ, भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल खेलने के लिए भारत को आने वाले 8 टेस्ट मैचों में से 5 मुकाबले जीतने की जरूरत है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 3-0 से जीतनी होगी। भारत को इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कंगारू टीम के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कम से कम 2 मुकाबले जीतने ही होंगे। टीम इंडिया अगले 5 टेस्ट मैच जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले साल 11 जून से 15 जून तक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यदि कहीं पर टीम इंडिया से चूक हो वही तो भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्पॉट खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह सीरीज टीम इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच 16 से 20 अक्टूबर तक बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से की जाएगी। इस कांटे के मुकाबले को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से तगड़ी जंग करने वाली है। ऐसे में इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट आप स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं इस पहले टेस्ट मैच को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मैच का लाइव प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर मुफ्त में देख सकते हैं। हालांकि ये सुविधा सिर्फ डीडी फ्री डिश और अन्य डीटीटी उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होगी। जो डीडी स्पोर्ट्स चैनल केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म जैसे डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी और टाटा प्ले पर प्रसारित होगा, उस पर इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा। और दोस्तों ये सीरीज इतने कांटे की इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड में हमेशा कांटे की टक्कर होती रहती है। इन दोनों का इतिहास भी यही कहता है। हालांकि अगर भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। दरअसल दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 62 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत के पक्ष में 22 जबकि न्यूजीलैंड के पक्ष में मात्र 13 मैच का नतीजा रहा है। वहीं 27 टेस्ट मैचों का नतीजा ड्रॉ निकला है। भारत के अपने घरेलू धरती पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 टेस्ट जीते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने घर में अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। दोनों टीमों के बीच खेली गई सभी टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। भारत ने जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 टेस्ट सीरीज जीती हैं, तो वहीं कीवी टीम ने 7 बार भारत को टेस्ट सीरीज से मात दी है। इसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का फाइनल मैच भी शामिल है, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में भारत को मात देकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। यानी कि कोई भी किसी से कम नहीं है। टीम इंडिया से उन्हीं की धरती पर दो दो हाथ करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक से बढ़कर एक धुरंधर भारत आए हैं। भारतीय दौरे के लिए न्यूजीलैंड के टेस्ट रिकॉर्ड टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो इसमें टॉम लेथम कप्तान की भूमिका निभाने वाले हैं, तो उनके साथ टॉम ब्लंडल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डिवॉन कॉनवे, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, विलियम ऑरुके, एजाज पटेल, मिशेल सेंटनर, बेन सियर्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, इशी सोडी, टिम सऊदी, केन विलियमसन और विल यंग को जगह मिली है। यानी कि आप देख ही सकते हैं दुनिया भर के जाबाज न्यूजीलैंड टीम से भरे हुए हैं और उन्हें हरा पाना टीम इंडिया के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। ऐसे में न्यूजीलैंड की अग्नि परीक्षा लेने के लिए अगर टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा बतौर कप्तान, जसप्रीत बुमराह बतौर उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ध्रुव चुड़ैल कुछ खूंखार बल्लेबाजों के नाम हैं, तो फिर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल के मजबूत कंधों पर रहने वाली है। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप शामिल है। यानी कि ना ही भारत कमजोर है और ना ही न्यूजीलैंड, यानी कि ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम बाजी मार पाएगी। हालांकि टीम इंडिया को धूल चटाने में न्यूजीलैंड को उनकी नानी याद आ जाएगी, ये बात तो निश्चित है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई और शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।